छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है, और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है, और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। तो तमाम नेताओं की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। एक बार फिर से लिए चलते हैं नागपुर, मेरे सहयोगी विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए। विवेक, प्रचंड गर्मी में क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि नागपुर की गर्मी जो है वो सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान लगातार बढ़ते रहा है। कुछ देर बाद यहाँ का जो तापमान है 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन देखिए भीड़ में आपको दिखाना चाहूंगा इस मौसम में भी, इतनी गर्मी में भी देखिए लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं इसी वोटिंग सेंटर से। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने वोट डाला। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या क्या मुद्दा रहेगा वोटिंग से पहले? सर, डेवलपमेंट को सब मद्देनजर रखते हुए सभी ने वोट करना चाहिए, यही एक चीज़ है जो सबके मन में है। और नागपुर का डेवलपमेंट हुआ है, पूरे देश में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे जिसका हाथ है सभी को पता है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब अच्छा ही हो, जो जिसको हम वोट करेंगे वो पूरे इस देश के लिए अच्छा ही करेंगे। मैम, क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या क्या जहन में रहेगा? जैसे सर ने बोला कि जैसे डेवलपमेंट है मेन मुद्दा, तो वो रहेगा, और डेवलपमेंट के अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं। मैम, कुछ नागपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है, जो लोग घर से बाहर नहीं निकले उनको क्या बोलेंगे गर्मी में? उनको, वो लोग वोट करने के लिए मैं उनको इंस्पायर करना चाहूँगी कि आप आइए वोट करिए, क्योंकि गर्मी तो हर साल आती है वोट, बट आपको ये अपने ही डेवलपमेंट के लिए है ये सारी चीज़ें, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप आइए और वोट करिए। मैम, आपका क्या मुद्दा रहेगा? किस बारे में जो वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर, किस जहन में, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रही हैं? जी विवेक, यही कि पार्टी का नाम नहीं बताना है ना, उम्मीदवार का नाम बताना है? नहीं नहीं, वो तो नहीं बताएंगे। यही कि वोट करना जरूरी है, अपने गवर्नमेंट चुनना है, अपना हक पूरा, अपना पावर यूज करें। तो साथ में देखिए जो 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 वोटर्स हैं उनके साथ में जागरूक मतदाता हैं, लोग अपना मतदान, ये वो जागरूक मतदाता हैं जो जानते हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है। और कितनी बेहतरीन बात यहां पर एक महिला मतदाता ने की है कि गर्मी धूप आती जाती रहेगी, लेकिन लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है, और आपका एक मत पूरी सत्ता को, पूरे देश के विकास में अपना योगदान निभाता है। बहरहाल, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, लेकिन जिक्र उन 12 सीटों का करना भी जरूरी है जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान जारी है, और इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। देखिए, मेरे साथ सचिन पायलट है। पायलट साहब, क्या लग रहा आपको, पूरे राजस्थान घूम लिए, पहले तो राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान में बहुत अच्छा प्रचार हमारा रहा है। पहले चरण में हमारे लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, और ये एक बदलाव का चुनाव है, ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन फॉर चेंज है। और 4 महीने से सरकार बीजेपी के राजस्थान में है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जनता पे नहीं छोड़ पाए हैं, और 10 साल से बीजेपी सरकार दिल्ली में है। राजस्थान के लिए कुछ उन्होंने खास किया नहीं, 2 बार पूरा बहुमत मिला राजस्थान में, 25 की 25 सीट जीते, फिर भी कुछ ज़्यादा योगदान प्रदेश के विकास में नहीं दे पाए। तो अब लोग हमारी पार्टी को, हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे मैनिफेस्टो को, उसको पसंद कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, हम लोग बहुमत हमारे को मिलेगा 4 जून को जब मतगणना होगी। लेकिन आप देश भर के अंदर, आपने कई रैलियां भी की, पूरे देश में जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, दूसरा जो जिस तरीके की मोदी लहर की बात की जा रही है, कितना असर है, और आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कहीं नज़र आ रहा है? भाई, मुझे तो कोई लहर दिखी नहीं, मैं देश के कई कोनों में गया हूँ, अनेक सभाओं को संबोधित किया है, सब लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा चाहते हैं,
जो वादे किए किसान आमदनी दुगनी करने का, नौजवानों को रोज़गार देने का, महंगाई को ख़त्म करने का, वो तो हुआ नहीं, बल्कि संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया, मुख्यमंत्री को जेलों में डालने का काम किया, कांग्रेस के खातों को सील करने का काम किया, विपक्ष के 150 सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया। तो ये बहुमत जो लिया था भाजपा ने वो जनसेवा के लिए दिया था, जन कल्याण की जो योजनाएं वो तो लगा ही नहीं, और एक तानाशाही रवैया अडॉप्ट किया, उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो हमारा जो अल्टरनेट है उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। के लिए यहां पर वोटिंग यहां हो रही है, और जानकारी आप तक पहुंचा दे कि इस वक्त भी जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उम्मीद यही की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे आगे यहां पर बढ़ेगा। तो देखिए पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आपको अलग अलग ग्राफिक्स जरिए ये भी बता रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के, और अब उन नेताओं की बात करें या उन मुख्यमंत्रियों की बात करें जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और देखिए ये वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, और अब जनता बताएगी कि ये उनकी पसंद पर खरे उतरे या फिर नहीं, जिनमें सर्वानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री है। पांच मुख्यमंत्री, अगर मोदी के 11 मंत्री मैदान में हैं तो पांच मुख्यमंत्री है जो ताल ठोक रहे हैं, जिनमें विप्लव कुमार देव पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के रह चुके हैं, एक लंबा कार्यकाल यहां से निभाया है, ऐसे में वो भी चुनावी मैदान में है। इतना ही नहीं, नाबाम तुकी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरुणाचल प्रदेश के और अरुणाचल पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार है, और आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से अपने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये वो तमाम मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब उन्हें जो है इस बार टिकट दिया गया। हालांकि जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। न्यूज 18 इंडिया पर आज से लेकर 4 जून तक सबसे बड़ी कवरेज हर चरण को लेकर लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया। और उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से मतदान करने की अपील की, तो वही भारतीय जनता पार्टी के राजवर्धन सिंह राठौड़ ने इस मतदान को भारत का सबसे बड़ा उत्सव बताया। सुनिए, आज हमारा लोकतंत्र का उत्सव है, सब लोगों ने मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है, और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। ये सांस्कृतिक भारत है, ये ऐतिहासिक भारत है, और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है, इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल, ये वो 5 उत्तराखंड की सीटें हैं जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है, और मतदान की प्रक्रिया फिलहाल अब तक सुचारू रूप से सामने आ रही है। बस गुजारिश, अपील यही की जा रही है कि घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, उत्तराखंड में भी लगातार वोटिंग जारी है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान के बाद लोगों का आशीर्वाद लिया और बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा भी किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त अनिल बलूनी जो हैं अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, अपने मत का इस्तेमाल किया, लोगों का आशीर्वाद लिया और सबसे पहले जनता से इस बात की अपील की कि जरूर जो है अपने घरों से बाहर निकले। गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने अपना मतदान कर दिया है और पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंचे हैं। मतदान करने के बाद अब जलपान कर रहे हैं। बलूनी जी, क्या क्या जलपान में क्या क्या है, ये पौष्टिक आहार दिख रहा है? देखिए, जो सबसे पौष्टिक था वो हम खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अच्छा। मंडुवे की रोटी, हाँ। जो रागी होता है, श्रीअन्न है, हाँ। उसको हम खा चुके हैं, और ये पहाड़ का हमारा अपना खाना है, हाँ। आलू के गुटके, हाँ। मंडुवे की रोटी और चटनी, वो हम